मैक्लोडगंज का जो मेन स्क्वायर है वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा जो सिर्फ 70 रुपए लेता है। आगे जाम लगा था इसलिए हम ऑटो से उतर के थोड़ा पैदल ही चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर। तो ये ऑटो आपको यहाँ तक छोड़ते हैं, इसके बाद आपको 1 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है वाटरफॉल के लिए। फिर से मार्केट आ गई हुई जो फुल ऑफ सेम आइटम से भरी हुई है, और वाटरफॉल का रास्ता यहाँ से। सामने आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल, और यहाँ से पूरा ट्रैक है जो हमें करना है 1 किलोमीटर का। तो कैसा फील कर रहे हो आप? बढ़िया, आप आओगे? आप चल लोगे? 15-16 मिनट में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो वाटरफॉल हमारा आ चुका है। अब यही है वाटरफॉल जहाँ हम आए थे, और यहाँ पर 2-3 कैफे हैं, और अब हम जाएंगे वाटरफॉल के ऊपर और सामने वाले मंदिर पे। तो हमें जाना है वहाँ जो रास्ता नहीं है पर हम जाएंगे क्योंकि सोच के आया था कि जाऊँगा वहाँ। तो फाइनली पहुँच गए हम वाटरफॉल आए। तो ये आपका सामने वाटरफॉल दिख रहा है उधर पे, तो जब भी वहाँ पर आए आप तो उसके जस्ट सामने एक मंदिर पड़ता है, प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, शेरावाली मैया का और काली मैया का। तो थोड़ा रास्ता टूट चुका है तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, बट आप यहाँ पर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है, और यहाँ पर मे भी कोई बाबा जी रहते हैं, उनकी कुटिया भी है सामने। और पहले उधर जाने का रास्ता था तो वहाँ पर वो पत्थरों के जो स्टोन के अपने बनाए रहते हैं टेंपल टाइप, वो भी बनाए हैं। तो हमारी तो इच्छा थी कि देखना है और हम पहुँच भी गए, जब इच्छा हो तो आप भी आइएगा, पक्का आइएगा। देखिए कितनी अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको एक बार दूर से दिखाता हूँ इस तीनों मंदिर कवर करके, ये देखिए। तो मंदिर से सफ़र पूरा करने के बाद अब हमारी बारी थी नीचे उतरने की। तो नीचे को जाते वक्त अभी 15 मिनट भी लगे हमें, क्योंकि हम खेलते कूदते हुए गए, और एक शॉप मिलेगी आपको रास्ते में, तो अगर आपको पानी वानी लेना हो तो आप इससे ले सकते हैं, वरना लास्ट में आपको वहाँ कैफे ही मिलता है। और अब हमारी बारी थी टेम्पल जाने की, बक्सुनाथ टेम्पल। तो कहा जाता है यह मंदिर राजा बक्सु द्वारा बनाया गया था। लोक कथा के अनुसार राजा बक्सुनाथ और नागराज ने, जिन्हें नाग देवता के रूप में भी जाना जाता है, एक लड़ाई लड़ी, क्योंकि राजा ने नाग झील से पानी चुरा लिया था। बाद में राजा बक्सुनाथ ने इस मंदिर का निर्माण नाग देवता से क्षमा चाहते हुए किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नहाने का कुंड भी है जहाँ गर्ल्स का लावनी है। ऑटो तिब्बत क्वालिटी बेकर्स करके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और सिर्फ यहीं पर ही आपको मिलेगी प्याज से मिलकर की बनी हुई पेस्ट्री, जो बहुत टेस्टी होती है सुनने में आया था, तो हमने कहा हम क्यों ना टेस्ट करें। क्या रिव्यू आया फिर? क्या बोलूं?
जाओ। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अब ओल्ड चर्च में। तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है और यहाँ पर हमें याक मिले हैं जो 100 रुपये आप फोटो खिंचा सकते हैं उनके साथ। एक टूरिस्ट प्लेस ये भी है यहाँ का ओल्ड चर्च। तो मतलब बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत शांत लोकेशन है। वो है उसका एंट्रेंस और एंट्रेंस से ये है ओल्ड चर्च। ये है पूरा चर्च, चर्च ही का जो पुराना है। यहाँ अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं आपको इसका बाहर से दिखाता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं इसके राइट साइड घूमने। अंदर तो अलाउ नहीं है कैमरा, तो हम ऐसे जाके प्रेयर कर रहे हैं। तो हम आगे घूम रहे हैं। तो जब भी आप मतलब मैक्लोडगंज जाएँ तो वहाँ से ऑटो में 70 रुपये किराया लेता है और आपको यहाँ पर चर्च पे छोड़ देते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको जगह घुमाता हूँ। तो यहाँ पर ये भी आर्कोलॉजिकल साइट में आता है क्योंकि बहुत पुराना है, जो इसके डिजाइन से लग रहा होगा आपको। और जगह बहुत प्यारी और बहुत अच्छी, देवदार के पेड़ चारों तरफ। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इनके उस समय के कब्रिस्तान हैं। तो यहाँ पर जगह जगह पे वही है, तो आप बैठ सकते हैं। शांति इलाके, इलाका बहुत शांत है। तो मार्केट से अगर घूम घूम के कचर वचर से दूर तो आप यहाँ आ सकते हैं। वहाँ की वो रोड चल रही है, रोड से जस्ट बगल पे ही है, बहुत सुनसान एरिया में, बहुत शांत भी है। तो यही था सफ़र, जो हमें सफ़र ना करना पड़ा। पहली बार थोड़ा बहुत करना पड़ा था वॉल्वो बस में। इसी के साथ हमारा सफ़र होता है ख़त्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। 2 दिन का सफ़र आप भी ज़रूर कीजिए, बजट फ्रेंडली। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कितना कितना खर्चा आया। जितनी